वेलकम बैक टू द मेमोरी जीनियस चैनल। कुछ क्वेश्चंस पीछे आए थे, 7 to 8 क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में हम 7 to 8 क्वेश्चंस के जो भी आंसर हैं दे दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो है हम जा रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हेडेक के बारे में ड्यूरिंग विजुअलाइजेशन प्रोसेस। तो स्टूडेंट ये पूछता है कि जब वो विजुअलाइजेशन करता है, मतलब प्रोसेस करता है, तो हेडेक जैसा फील होता है। तो पहले भी काफी सारे वीडियोस में बताया गया है कि कोई भी जो एक्सरसाइज है, राइट, चाहे वो विजुलाइजेशन हो, चाहे वो त्राटक हो, राइट, फोर्सफुली नहीं करना है, बिल्कुल कंफर्टेबल वे में, कूल मैनर में करना है, राइट, विदाउट एनी फोर्स, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में, राइट। तो अगर फिर भी ऐसा करने से फिर भी अगर आपको हेडेक फील होता है, तो कुछ डेज के लिए आप जो एक्सरसाइज है विजुलाइजेशन उसको स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इसमें आप प्लीज जो है पूरा ध्यान रखें। आगे पूछा गया है त्राटक और मेडिटेशन के बारे में। देखिए, त्राटक और मेडिटेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। त्राटक जो है वो शक्ति को गेन करने के लिए किया जाता है, जबकि मेडिटेशन ध्यान जो है वो शांति को ग्रहण करने के लिए किया जाता है, राइट। तो त्राटक इज अ डिफरेंट प्रोसेस, लेकिन मेडिटेट होना अपने इनर सेल्फ पे वो डिफरेंट प्रोसेस है। पहले भी काफी बार हम बता चुके हैं कि आपको जो त्राटक है उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि आप थोड़ा सा जो कॉन्सेंट्रेशन है आपका वो इंप्रूव होने लगे, मीन्स ओवर थिंकिंग हटे और आप फोकस होने लगे। ऐसा बिल्कुल भी हमारा जो उद्देश्य है वो त्राटक को लेके ये नहीं है कि आप जो है 10-15 मिनट जो है वो त्राटक करते रहे तो उससे क्या है, तो वो सारी शक्तियां एक्टिवेट हो जाएंगी। देखिए, ऐसा नहीं है। हाँ, शक्ति होगी, लेकिन 1-2 मिनट पर्याप्त है, राइट। आप पूरा जो है रिलैक्सेशन के साथ, प्रॉपर ब्रेक के साथ जो है इस त्राटक एक्सरसाइज को करेंगे। आगे पूछा है कर्मास के बारे में कि सर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा होता है, लेकिन जो सोल है, राइट, वो परमात्मा का अंश है, तो फिर उसको क्या लेना देना कर्मा से। देखिए, लेना देना तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब शरीर जो है, राइट, आत्मा छोड़ती है तो मन साथ में जाता है ना। अगर तो मन जो है, माइंड जो है वो पूरा डाइल्यूट हो गया, राइट, फिर तो वो एक मोक्ष हो गया, सेल्वेशन हो गया, उसको फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें कोई ना कोई इच्छा है, वासना है, तब तक वो सोल के ऊपर, जैसे ब्लैक क्लाउड होता है, वैसे ही एक क्लाउड कह लीजिए वो सोल के ऊपर रहता है, राइट। तो बेसिकली जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो माइंड है वो पूरा डाइल्यूट हो जाए हमारी सोल के अंदर, राइट, मींस थॉटलेसनेस जो है वो हमारा गोल है। आगे पूछा गया है कि किसी फेवरेट पर्सन को जिसे हम प्रेम करते हैं उसे कैसे भूला जाए, हाउ टू फॉरगेट इट। शायद ये ब्रेकअप के साथ रिलेट करता है क्वेश्चन। तो देखिए, नहीं भूलना, देयर इज नो नीड टू फॉरगेट। आप प्रेम करते हैं, बहुत अच्छा है, इसको अनकंडीशनल लव में चेंज करें, क्योंकि शरीर तो कभी रहेगा ही नहीं, अभी भी नहीं की स्थिति में जा रहा है, आगे जा रहा है, तो बॉडी जो है वो नहीं रहने वाली, लेकिन प्रेम जो है वो शाश्वत है, राइट। तो बजाय कि उसको भूलने के, आप जरूर उनको याद करें, लेकिन एक पॉजिटिव हीलिंग के साथ, राइट, क्योंकि जो ब्रह्म है वो उस शरीर में भी है, आप में भी है, तो भूलना नहीं है, उसका पॉजिटिव जो है यूज करके आप हीलिंग जो है, अनकंडीशनल लव देने का जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। आगे जो क्वेश्चन है वो स्टेज फियर को लेके है, क्योंकि यही स्टेज फियर अगर नहीं होगा तभी कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल पाएंगे। तो कैसे हटाएं? देखिए, इसके लिए प्रैक्टिस है, राइट, आपको प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि स्विमिंग के लिए अगर मैं बहुत सारा थ्योरेटिकल बुक्स आपको पढ़ाऊं, बहुत सारी थ्योरी पढ़ाऊं, तो स्विमिंग नहीं आ सकती है ना। तो बिल्कुल सेम फैशन है, आप स्टेज के ऊपर जाएं धीरे धीरे, जैसे जैसे आप जाएंगे पीछे हो सकता है आपका जो लेग्स है वो वाइब्रेट करें, वाइब्रेशन फील हो, लेकिन धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा, राइट। तो आप बहुत आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन जो भी वर्ड्स हैं वो यूज करें, राइट, धीरे धीरे उसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो आएगा। आगे पूछा गया है कि स्टडी विद फोकस, मीन्स पढ़ते समय जो है फोकस नहीं
रहा जाता। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, पढ़ने से पहले थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइजेस आप करें, अपने आप को शांत रखें, राइट। मन अगर रिलैक्स नहीं होगा, शांत नहीं होगा, तो आप किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर सकते, राइट। चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो रिसर्च, चाहे कोई भी एरिया हो, कहीं भी, राइट। जब तक मन शांत नहीं है, तब तक आप जो है फोकस नहीं हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है आप मन को शांत रखें। और बेस्ट एक्सरसाइज हम बताते ही हैं आपको वीडियो में, कॉस्मिक ब्रीथिंग। थोड़ा सा ध्यान जो है अपने श्वास की तरफ आप रखेंगे, राइट। धीरे धीरे श्री विद्या साधना में भी हमने वो एक्सरसाइज बताई है, टेंशन टेंस करते हैं पहले बॉडी को, फिर रिलैक्स करते हैं, तो मन जो है बॉडी भी और माइंड भी दोनों शांत हो जाते हैं। उसके बाद आप जो भी आप पढ़ेंगे या जो भी काम आपको करना है, वो आप पूरे फोकस होके करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि सर बेनिफिट्स क्या है श्री विद्या साधना के। दो तीन वीडियोस हैं ऑलरेडी जो बेनिफिट्स हमने बताए हैं श्री विद्या साधना करने से। तो देखिए कॉमनली दो ही चीजें हैं। देखो श्री विद्या साधना कर सकते दो जो इंप्रूवमेंट है वो मिलने वाली है। पहला फिजिकल बेनिफिट्स है और सेकेंड मेंटल लेवल इमोशनल लेवल पे बेनिफिट्स है, राइट। फिजिकल लेवल पे ऐसा है कि उसमें कुछ योगिक क्रियाज हैं, राइट। जैसे योगिक आसन हो गए या प्राणायाम होगा, तो एक तो बॉडी जो है, शरीर जो है वो तेजोमय बनेगा, राइट। प्राण शक्ति जो है वो बढ़ेगी, सबसे बड़ा बेनिफिट है, राइट। क्योंकि तीन ही तो चीजें हैं ना, बॉडी माइंड एंड सोल, एंड माय फोकस इज टू एम्पावर योर बॉडी, एम्पावर योर माइंड एंड एम्पावर योर सोल। और दूसरा जो मेंटल लेवल पे आपकी जो मानसिक शक्तियां हैं साधना करने से बढ़ती हैं, राइट। ये पूरा का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है, राइट। अपनी सिविल एनर्जी को ट्रांसमिटेशन करने का सबसे सुंदर उपाय है कि आप श्री विद्या साधना जो है वो करें, राइट। क्योंकि दिस इज द फूड ऑफ आवर माइंड एंड ऑफ आवर सोल, हमारी आत्मिक भोजन। साधना जो है वो एक आत्मिक भोजन है, राइट, एक स्पिरिचुअल फूड है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स मैं यहाँ पे बताऊंगा, बताने लगा तो वीडियो ही 3-4 घंटे का बनेगा। तो बहुत फिजिकल लेवल पे तो है ही है, फिजिकल बॉडी लेवल पे, उसके बाद जो मेंटल लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल है, इमोशनल लेवल है, हर लेवल पे यस देर आर numerous बेनिफिट्स। तो आप जो है साधना करें, साधना करने के लिए आप इस प्लेनेट के ऊपर आए हैं, राइट। इतना आप अच्छे से समझ लीजिए। आगे पूछा है कि सर ओजस जो है वो कैसे इंक्रीज करें। देखो ओजस जो है वही चीज है, सबसे पहले फूड में थोड़ा चेंज लाएं, अच्छा तेजोमय फूड, रॉ फूड जो है आप वो खाएं, राइट। और सेकंड साधना है। देखो साधना से थोड़ा सेलिब्रेसी आप जो है फॉलो अप करेंगे, तो उसी से ही जो ओजस है वो बढ़ेगा, बनेगा, राइट। और यही आपको शक्ति प्रोवाइड करेगा। मैग्नेटिज्म, एक जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है, राइट, जब हम बात करते हैं लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो वो शक्तियां जो हैं आपके अंदर विकसित होंगी। तो कम से कम ओमकार का उच्चारण तो आप प्लीज जरूर करें, राइट। ओमकार यही जो साउंड है, शून्य की जो साउंड है, राइट, अनाद नाद बोल लीजिए। तो बेसिकली हमें इसी को सुनना है, शांत होके, यही साधना भी है। तो ओजस जो है इसी से ही, साधना से ही बूस्टअप होगा। अगली चीज है शांति। यस, शांति के बारे में पूछा है कि सर शांत कैसे हो। तो आप जरूर एक समय अपने 24 घंटे में जरूर निकालें कि जब कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल शांत, उस समय त्राटक नहीं, त्राटक इज डिफरेंट थिंग, दैट्स अ कॉन्सेंट्रेशन एक्सरसाइज। लेकिन जो शांति है ये मेडिटेशन है, अपने इनर सेल्फ पे, हार्ट पे, यहाँ पे आप जो है लाइव करेंगे, उस समय आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पे होगा। तो आप इस शांति को डू नथिंग, राइट, नथिंगनेस, परमात्मा जो है वो नथिंगनेस है, समझ लीजिए, गॉडलीनेस है, भगवता है, एक क्वालिटी है, ना कि कोई पर्सनैलिटी है। तो उस क्वालिटी को जब आप यहाँ अनाहत चक्र पे फील करेंगे, तो दैट्स अ ब्यूटीफुल यू नो मेडिटेशन, अमेजिंग जो रिजल्ट्स हैं, बहुत अमेजिंग फीलिंग्स जो है वो होती हैं। तो आप दिन में प्लीज 15-20 मिनट जितना भी हो सके, या रात को जब सोने के लिए जाए, तो थोड़ा सा शांत, इसी के लिए जन्म हुआ है, यही साधना है, दैट्स शांति, राइट। अगला पूछा है कि सर सोशल मीडिया हम एडिक्शन जो है वो हो गई है, तो आप प्लीज, मैं हम बार बार बोलते हैं कि ज्यादा सोशल मीडिया आप मत यूज करें। बेसिकली दो तीन चीजें हैं, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, राइट, ये कुछ चीजें, यूट्यूब है, बहुत है आई थिंक, राइट, सारा इंफॉर्मेशन। क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट हो जाएगी,
आप फेसबुक भी करेंगे, इंस्टाग्राम भी करेंगे, राइट, यूट्यूब भी देखेंगे, व्हाट्सएप भी देखेंगे, ईमेल चेक करेंगे, क्या क्या करेंगे, राइट. इतना बम्बार्डमेंट हो जाएगा इंफॉर्मेशन का कि माइंड तो बेचारा देखो मर ही जाएगा ना. तो क्यों हम इतना अटैक कर रहे हैं अपने माइंड के ऊपर? तो आप थोड़ा सा इसको लिमिटेड करें. मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दें, यस इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट. तो आप व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम, थोड़ा सा वो भी लिमिटेड वे में, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं केवल उन्हीं की तरफ जाएं. क्यों अननेसेसरी चीजों की तरफ जा करके जो है हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, वो गलत है, राइट. तो सोशल मीडिया एडिक्शन फिर नहीं होगा, क्योंकि फिर आप सकारात्मक जो यूज है ना वो इसका करेंगे. तो आप क्वेश्चन जरूर करते रहिए, हमारे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कॉमेंट भी कर सकते हैं, राइट. और हम आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू आंसर योर ऑल क्वेरीज, यू नो, थ्रू माई वीडियोज, राइट. सो आई थिंक थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. Have a great day.